Assalamualaikum, Namaste, Sat Sri Akaal. Welcome back to your on YouTube channel. This is me Saima Pirzada and you are watching Saima Pirzada Reaction channel. कैसे हैं आप लोग? So दोस्तों, आपको पता है कि आजकल काफी चीजें ऐसी हैं जो कि हमें देखने को मिल रही हैं, स्पेशली मूवीज के ऊपर हो जाए या हिंदू मुस्लिम के ऊपर हो जाए, तो ये काफी चीजें हमें बायकॉट करने को देखने को मिल रही हैं. अभी रिसेंटली अजमेर शरीफ में भी बायकॉट हुआ, उसके बाद अभी जो है वो आमिर खान के ऊपर बायकॉट चल रहा है उसकी मूवीज के ऊपर. सो वीडियो जो आज हम देखने वाले हैं वही उसी से ही रिलेटेड होने वाली है. सो वीडियो का टाइटल है आमिर खान्स मैसेज टू एवरी इंडियन बिफोर लाल सिंह चड्डा. सो गाइज, लाल सिंह चड्डा जो है वो मूवी आ रही है और उसी से रिलेटेड जो है अब बायकॉट चल रहा है, और इसी से रिलेटेड आज हम देखेंगे कि आमिर खान ने क्या स्टेटमेंट दिया है इसके ऊपर. सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहाँ से देख सकते हैं. और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप इसके बारे में, अगर आपका कोई ओपिनियन हो. सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट. सो लेट्स स्टार्ट. मेरी फिल्म प्लीज देख लेना, प्लीज मत बॉयकॉट करो, मैं भी इंडिया से प्यार करता हूँ, प्लीज मेरी फिल्म देख लेना, दो शब्दों में अगर बोला जाए तो भैया फट गई. तो आइए आज देखते हैं कि कितनी फटी है, थोड़ी सी, दो चम्मच, या पूरी फट के फ्लावर हो चुकी है. देखते रहिए आज की तारीख. तो जी, आमिर खान ने देखा कि कई दिनों से लगातार लाल सिंह चड्ढा को लाल झंडा यानी रेड फ्लैग दिखाया जा रहा था. बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा के बैनर्स, पोस्टर्स आपको किसी भी सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए दिख जाएंगे. लोग वीडियो बना बना कर अपील कर रहे हैं कि लाल सिंह चड्ढा देखने मत जाना. आप जा रहे हो ना फिल्म देखने, तो मत जाओ. Nobody has forced you. हमारे विचार कितने मिलते हैं. लोग अपने अपने रीजंस दे रहे हैं कि उन्हें क्यों इस फिल्म का बॉयकॉट करना है. किसी के रीजंस धार्मिक हैं. एक कपिल शर्मा, तुम जितना करना है सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान को बढ़ा दो, लेकिन आज मैं कसम खाता हूँ कि इस कुत्तों की मूवी मैं नहीं देखने वाला हूँ. नेहरू चाचा बना हुआ था, गांधी बना हुआ था, जब यहाँ से पंडितों को भगाया जा रहा था तब तुमने हस्तक्षेप नहीं किया. आज मैं तुलना करता हूँ, आज भारत अलग बन चुका है. हिंदू बटे हुए थे, हिंदू को हिंदू नहीं मानते थे. तुम जाट, तुम ब्राह्मण, तुम वैश्य, तुम शूद्र, तुम चमार, तुम भंगी, तुम ये, आज जब सारे मिलके हिंदू हो गए हैं तो सालों को पच नहीं रहा. आओ मिलकर इनकी आने वाली मूवी लाल सिंह चड्ढा को बॉयकॉट करें. बॉयकॉट इसलिए कि देवी देवताओं और भारत देश का अपमान करने वाली जो ये मानसिकता है उस पर लगाम लगे. और तो कोई कह रहा है कि अमीर आमिर को पैसा देने से अच्छा है पुण्य ही कर लें, दान दे दें. पब्लिक ओपिनियन लेने जाएं तो सब के सब एक स्वर में बॉयकॉट के नारे लगा रहे हैं. लाल सिंह चड्ढा आमिर खान की मूवी आने वाली है, क्यों, क्या कारण है? पर दो, मेरी इच्छा है, रीजन पूछने की जरूरत नहीं, बायकॉट होना चाहिए बस. है रीजन? कोई रीजन नहीं, आप रीजन पूछने लायक ही नहीं हो. तो किसी के रीजन है भारत के अपमान के. आमिर ने कहा कि वो भारत में सेफ नहीं है, और ऐसा कहने के थोड़े ही दिन बाद आमिर खान पहुंच गए टर्की. वहां के प्रेसिडेंट से भी मिले, उस प्रेसिडेंट से जो भारत में कश्मीर में डॉलर 2000 देकर सैनिकों को भेज रहे हैं कश्मीर की लड़ाई लड़ने के लिए. प्रायोरिटीज हैं भैया अपनी अपनी. या फिर आमिर खान का बॉयकॉट इसलिए भी हो रहा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन को सपोर्ट किया मेधा पाटकर के साथ मिलकर, जिससे नर्मदा पर बन रहा जो डैम वो दसियों वर्षों के लिए अधर में लटक गया, और अब जब बना है तो भुज के किसान, जिन्होंने जल ढंग से देखा तक नहीं था, उनके क्षेत्र में जब नहर के थ्रू पानी आया नर्मदा का, तो कुछ इस प्रकार से हर्ष मनाया उन्होंने. और ये बॉयकॉट कुछ आज से नहीं चल रहा है, 2 महीने हो चुके हैं लगातार बॉयकॉट बॉलीवुड, बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा को ट्रेंड करते हुए. अब इस सब को देख के आमिर ने आज बोला, लोगों को उनके हृदय में लगता है कि मैं प्राउड भारतीय नहीं हूं, पर ये सही नहीं है, मैं हूं, इसलिए प्लीज मेरी फिल्म देख लेना. अब इस सब पर तैमूर की मम्मी का भी कुछ कहना है. वो मैडम कह रही है कि आज के समय में सबका अपना ओपिनियन है, सबके पास पावर आ गई है. इनको पावर सबके पास आती हुई अच्छी सी नहीं लग रही है वैसे. वो कैंसिल करने लगे हैं अब लोगों को, पर यदि फिल्म अच्छी हो तो सबके पार चली जाएगी और चल जाएगी. यानी बेसिकली इन्होंने अपनी पुरानी स्टेटमेंट ही दोहराई है कि मत देखो तो मत जाओ, क्योंकि इसके अलावा अब ये कुछ बोल भी नहीं सकती हैं, क्योंकि मत देखो तो मत जाओ. तो जी, रवीश के शब्दों में कहा जाए तो डर का माहौल है, और ये डर का माहौल शमशेरा के पानी भी ना मांगने या पिछली 37 फिल्मों में से मात्र कश्मीर फाइल्स और भूल भुलैया के हिट होने ने
पैदा किया है, जिसमें कश्मीर फाइल्स यानी विवेक अग्निहोत्री अपने आप को बॉलीवुड का नहीं कहते और कार्तिक आर्यन भैया वो सुपरस्टार है नहीं। संजय दत्त के हिंदुओं के नाम इस पत्र में HATE शब्द की बाढ़ सी आई हुई थी, जिससे साफ पता चल भी रहा था कि फिल्म के फ्लॉप होने का एक ही कारण है, जागरूकता, जिसकी स्पेलिंग ये HATE लिखते हैं। बॉलीवुड का यदि इतिहास देखें तो वो बहुत घिनौना है और उसका प्रोपेगेंडा अब लोग समझने लगे हैं। उदाहरण के लिए आप ये सीन देखिए। एक फोटो भेजना बिना कपड़ों वाली। फिल्म देवड़ी अनुराग कश्यप द्वारा निर्देशित माही गिल पर फिल्माया गया यह सीन। बैकग्राउंड यह है कि अभय देओल और माही गिल लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं और अभय देओल ने लड़की से उसके प्राइवेट फोटो मांगे हैं। लड़की फोटो खींचती है पर कपड़े उतारते समय दीवार पर भगवान कृष्ण की यह फोटो समझ बूझ कर लगाई जाती है, मानो भगवान कृष्ण उसे देख रहे हों। स्वयं सोचिए क्यों लगाई गई होगी, क्या प्रोपेगेंडा रहा होगा। 2009 की ये फिल्म लक, संजय दत्त इमरान खान मेन लीड में थे, रवि किशन गुंडा है और वो लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा है और ऐसा करते समय बैकग्राउंड में म्यूजिक लगाया जाता है शिव तांडव स्त्रोतम का। गुड नाइट राजा। वाह। वहीं दूसरी ओर आतिश एक फिल्म बनी थी संजय दत्त की, जिसमें एक गाना पब में शूट हुआ जिसके लिरिक्स थे या मुस्तफा या मुस्तफा। इसके बाद वॉयलेंट प्रोटेस्ट हुए और या मुस्तफा को या दिलरुबा कर दिया। लीड सिंगर अलका याग्निक थी और अलका याग्निक उस समय अवेलेबल नहीं थी तो किसी और से रैंडमली इस पार्ट को गवाया गया और उसे बदल दिया गया, परंतु राधा सेक्सी आराम से बना दिया जाता है। दुर्गा को सिगरेट पिलाना भाई क्रिएटिविटी है। बॉलीवुड ने गाना दिया पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी और फिर दूसरी फिल्म में उसी गाने की पैरोडी करके बना दिया पग घुंघरू बांध छक्का नाचा था। बॉलीवुड सिखाता है कि एक छोटी जाति का आदमी जब एक ऊंची जाति की लड़की से प्यार करता है तो वो उससे वर्षों का बदला लेना चाहता है। जब एक छोटी जात का आदमी एक ऊंची जात की औरत को डेट करता है ना, तो वो बदला ले रहा होता है सदियों के अत्याचारों का। और सेम ही शमशेरा में किया गया। फिर भाई पीके में शिवजी का अपमान हो या किसी अन्य फिल्म में हनुमान का, ये आम सी बात हो गई थी बॉलीवुड के लिए। बॉलीवुड के अनुसार करवा चौथ करना गलत है, रिग्रेसिव है और ये भारत को सऊदी अरेबिया बना सकता है। करवा चौथ का व्रत नहीं कर रहे आप? Isn't it appalling that modern educated women do karwa chauth? Millions of Indian women fast for their husbands' long lives every karwa chauth. My dear friend who just won an award has immortalized this in his movies. But I don't think our 3,033 gods are really listening, because on the mortality charts there are 147 countries above us. होली दिवाली पर इनके अलग लेवल के प्रोपेगेंडा होते हैं और ईद पर बढ़ता है प्यार। तो भाई जब से जागरूकता आई है तब से इनकी हर फिल्म का यही हश्र हो रहा है जिसे ये लिख रहे हैं HATE। हमने कुछ प्रोजेक्ट्स की लिस्ट बनाई है और बॉलीवुड से अपील करते हैं कि इनमें से किसी एक प्रोजेक्ट्स को भी बना सकें तो बना दे। जैसे आज ही एक मुस्लिम लड़की है जिसने हर हर शंभू गाना गाया है और उसके ऊपर फतवे निकाल दिए गए। क्यों? क्योंकि उसने ये गाना गाया है। क्या बॉलीवुड उस लड़की की कहानी पर फिल्म बना सकता है? ट्रिपल तलाक पर, शाहबानों पर, हलाला पर एक फिल्म बन जाए तो कैसी रहे? इनकी स्टेटमेंट के बाद जिस प्रकार से देश में कई लोगों के साथ अरबी खेल खेला गया, क्या उस अरबी खेल पर बॉलीवुड फिल्म बना सकता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सपोर्ट करते हुए? आखिर सबसे अधिक आर्टिस्टिक फ्रीडम या फ्रीडम ऑफ स्पीच तो आप ही को चाहिए होती है, नहीं? तो भाई इन तीनों प्रोजेक्ट्स में से कोई एक फिल्म भी बना दें तो हम बॉलीवुड को सपोर्ट कर देंगे। आप बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए। पेट्रियन और UPI के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।
इनके तो फंडे मुझे समझ ही नहीं आते। वाकई में ही बॉलीवुड में आने के बाद लोगों में इतना एटीट्यूड आ जाता है, इतना गरूर आ जाता है कि वो लोग भूल जाते हैं कि उनकी कल्चर क्या है। उनकी आजकल जो लोग अपने कल्चर और हिस्ट्री को जो है ना वो भी एक फैशन के तौर पे ही इस्तेमाल कर लेते हैं कि उनको पता है कि फैशन के हिसाब से। जैसे करवा चौथ के ऊपर बात की तो मतलब करवा चौथ तो एक मतलब कि ऐसी चीज़ है जिसको इंसान सेलिब्रेट करता है अपने हस्बैंड के लिए, लंबी उम्र की दुआ करता है, उसके लिए पूजा होती है। मतलब इस टाइप की चीज़ें जो हैं हमें करवा चौथ में देखने को मिलती हैं, जो कि एक शुरू से चलता हुआ आ रहा है। तो ये तो एक अच्छी चीज़ है जो कि हिंदुइज़्म में है। और अब ताज्जुब इस बात का होता है कि बाहर से लोग जो हैं वो आते हैं अपने भारत में और जो है भारत में अपनी हर चीज़ छोड़कर हिंदुइज्म को, हिंदू कल्चर को जो है वो उसको अपने अंदर समा लेते हैं, मतलब उसी को ही फॉलो करना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि आप देखें कितने सारे जो लोग हैं उनके बारे में हमने सुना भी, पढ़ा भी और देखा भी है, तो कितने अच्छे खासी अपनी जॉब्स अपने पैसा छोड़ के। लेकिन यहाँ पर तो कुछ अलग ही, बॉलीवुड वाले तो पता नहीं क्या लोगों को सिखा रहे हैं, क्या कल्चर दे रहे हैं। इन लोगों को हर उस चीज़ से प्रॉब्लम है जो कि शुरू से चलती आ रही है, पूरा भारत वो कर रहा है। और मतलब कि गणेश पूजा हो गई या फिर चतुर्थी हो गई या फिर कोई भी ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं तो उनको भी इन्होंने मतलब वो भी सही से, आई डोंट नो कि वो करते भी हैं कि नहीं करते, मुझे तो नहीं लगता कि वो प्रॉपर तरीके से करते हैं। बात रही करीना कपूर की, तो करीना कपूर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में है, मतलब उसको शुरू से ही एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है। आई डोंट नो कि उसको एटीट्यूड क्यों है इस चीज़ का, क्योंकि मैंने अक्सर उनके स्टेटमेंट्स भी देखे हैं और वो हमेशा ये बात बोल देती हैं कि मैं जो हूँ ना मतलब अपने आप को सबसे फाइन एक्टर समझती हैं और एक्ट्रेस समझती हैं, और साथ साथ उनको लगता है कि उनसे बेहतरीन तो कोई हो ही नहीं सकता ना, कोई बेहतरीन ही नहीं है। तो वो क्या करती हैं कि वो अपनी जो मतलब कि मूवीज़ हैं अगर उनके ऊपर कोई बात करे तो बोलती हैं मत देखो, मतलब वो डायरेक्टली बोल देती हैं। मतलब कि इन लोगों को ये आइडिया नहीं है कि भारत में जितने भी बॉलीवुड में एक्टर हैं वो आज तक आगे निकल कर आए हैं तो जस्ट बिकॉज ऑफ कॉमन पीपल, जस्ट बिकॉज ऑफ नॉर्मल जो नेशनैलिटी होल्डर्स हैं भारत की, उन लोगों ने इनको आगे बढ़ाया है। ये कोई पहले कोई अगर ये लोग नहीं उठाते सर पे तो ये लोग आज इतने नहीं होते, ये इस तरह से मूवीज पे नहीं आ रहे होते, सारा पब्लिक के पैसों से ही इन्होंने कमाया और खाया है। सो एटीट्यूड किस चीज़ का है, गरूर किस चीज़ का है। बाकी आमिर खान की बात रही तो आमिर खान हो गए, सलमान खान हो गए, ये सारे एक्टर हो गए या फिर जितने भी एक्टर हैं, इन लोगों को सिर्फ पैसों से मतलब है। ये तो चीज़ आपको भी पता होगा कि बॉलीवुड में सब पैसे का गेम है, पैसों के पीछे ये लोग। अभी सुष्मिता सेन जो है वो बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस भी हैं और नेचर वाइज भी बहुत अच्छी हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन अभी उनकी भी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वो एक एजेड मतलब हैं, वो पैसे वाले जाहिर सी बात है उनके साथ वो मतलब क्योंकि वीडियो वायरल हुई नहीं है। तो इसी तरह से कहने का मतलब ये है कि इस तरह से ही बॉलीवुड का कोई वो नहीं है कॉन्सेप्ट के कोई खूबसूरत होना चाहिए, उनका कोई ऐसा नहीं होता, बस उनको यही है कि बस पैसा होना चाहिए, पैसे का गेम है हर जगह पर। तो इमरान आमिर खान जो है उन्होंने जो मतलब ये स्टेटमेंट दिया है कि मैं भारत में मतलब सेफ नहीं हूँ, अब शायद एक तो ये भी रीज़न हो सकता है कि क्योंकि शुरू काफ़ी टाइम से ये कॉन्ट्रोवर्सी भी चल रही है कि हिंदू मुस्लिम वाली और बायकॉट वाली, तो हो सकता है शायद ये भी रीज़न हो कि उनके स्टेटमेंट का, मैं पर्सनली तो उनके स्टेटमेंट पर नहीं बोल सकती कि एक्चुअली रियलिटी है क्या। लेकिन जो है वो इस तरह से ये स्टेटमेंट देना एक बड़े स्टार की स्टेटमेंट जो है ना बहुत मायने रखती है, जिससे जो है भारत का नाम जो है वो डाउन होता है। सो आई थिंक इस तरह के स्टेटमेंट देने से पहले इन लोगों को सोचना चाहिए कि जिस कंट्री ने इनको इतना कुछ बना दिया है तो उनका उसका नाम तो एटलीस्ट ये डाउन ना करें। सो आपका इसके ऊपर क्या कहना है कॉमेंट सेक्शन में बताएं। मूवी इन्होंने रिलीज कर ली है लेकिन मूवी के बाद आप देखें, मूवीज तो रिलीज होने वाली है लेकिन उस पर बायकॉट हो रहा है, पब्लिक नहीं देख रही। इसके पीछे रीजन करीना कपूर का भी है कि जो डायरेक्टली सबको बोल देती हैं एटीट्यूड में आके कि नहीं हम तो मतलब देखें, तो जाहिर सी बात है पब्लिक कोई बच्ची नहीं है जो कोई भी ऐसे ही सुनेंगे और वो बोलेंगे इट्स ओके करीना ने बोला, कोई बात नहीं, खूबसूरत है, डार्लिंग है, तो हम लोग जो है
मूवी देखने चले जाते हैं, ऐसा नहीं होता। आई थिंक इन्होंने पैसा इतना कमा लिया, इनको इतना गरूर आ गया कि अब इनको पब्लिक के पैसों से इतना फर्क नहीं पड़ता, शायद ये रीजन है। या फिर इनको लगता है कि इंडियन पब्लिक इतनी कोई पागल है कि वो हमारे स्टेटमेंट के बाद भी वो मूवीज देख लेगी, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो शायद ये भी रीजन हो सकता है। लेकिन ये जो धर्म मजहब के नाम पर ये लोग मजाक उड़ाते हैं अपनी मूवीज में, सो मैं इस चीज की बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, नहीं होना चाहिए ऐसा। क्योंकि यार देखो, आप किसी मूवी को बना रहे हो, उसमें आप किसी के किसी रिलीजन या कोई भी किसी तरह के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हो, तो उस मूवी का फायदा क्या जब आप किसी को हर्ट कर रहे हो। और आप देखो, एक दो तीन नहीं होते, वो लाखों करोड़ों की तादाद में है जिनकी आप सेंटिमेंट्स के साथ खेल रहे हो। सो मजाक बनाना बंद कर दिया जाए, मूवीज में बैन होना चाहिए, वो मूवी बैन हो जानी चाहिए, सॉन्ग बैन होना चाहिए जिसमें किसी भी मजहब का धर्म का जो है वो मजाक उड़ाया जाए, क्योंकि ये आजकल ट्रेंड बन गया है। एक करता है ना तो उसको दूसरा देख के वो भी करता है, वो उससे थोड़ा एडवांस करता है, फिर उससे बढ़कर दूसरा एडवांस कर रहा होता है, तो आई थिंक ये सही नहीं है। सो इस पे बैन होना चाहिए। सो गाइज, आप क्या कहते हो इसके ऊपर, कॉमेंट में बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।